मेरा ये है ना आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि ये जो है ना यहाँ पर जो झंडा है आज़ादी के 75वें महोत्सव में लगाया गया हुआ है, आमदार जलगांव शहर यांचा स्थानिक विकास निधि से लगाया हुआ है, राजू मामा भोले के से। और इसके अलावा भी है ना जो है SP ऑफिस में भी एक झंडा लगाया गया हुआ है, तो मुझे इसका टेंडर चाहिए। मैंने इसके लिए है ना मुख्यमंत्री से ना माननीय मुख्यमंत्री से माननीय जो CS है चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र शासन के उनसे और कलेक्टर साहब से है ना जलगांव के कलेक्टर साहब से है ना इस विषय में पत्र लिखा है कि साहब ये झंडा जो है बन चुका है, इसका टेंडर निकला हुआ है और ये टेंडर है ना परसों मतलब 14 तारीख को खुलने वाला है, ऐसा मुझे जानकारी मिली हुई है और टेंडर की कॉपी भी है मेरे पास में इसकी। तो मुझे इसका है ना जो बना हुआ टेंडर है, मैं 75वां महोत्सव है तो 75% है ना कम में मतलब बिलो में काम करने को तैयार हूँ। एक एक का लगभग 12 लाख रुपए का टेंडर निकला हुआ है और ना जो है जो बना हुआ है उसका टेंडर निकला हुआ है, मतलब इसमें आज़ादी के 75 साल बाद में भी भारत देश का पीछा जो है अनियमितता या भ्रष्टाचार नहीं छोड़ रहा है, तो ये उसी का एक प्रकार मुझे लगता है। जिसके मैंने ना जो इस विषय में मैंने जब बात करी अधीक्षक अभियंता से, जो प्रभारी अधीक्षक अभियंता प्रशांत सोनोने साहब है, उसके बाद में प्रशांत ELI साहब है जो कार्यकारी अभियंता है, और सहायक कार्यकारी अभियंता जो है सुभाष राउत, इन सबसे मैंने इसकी जानकारी चाही हुई है, उनसे बात भी किया हुआ है, तो उन्होंने उड़ा उड़ी के उत्तर दिए, उन्होंने नहीं मालूम है हम देख के बताते हैं, मतलब इसमें कुछ ना कुछ घोल है और है ना ये परसों खुलने वाला है ये टेंडर। तो इसलिए मैंने बोला कि पब्लिक आप भी चाहे कि पब्लिक को भी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जो टेंडर लेंगे तो और इससे भी कम में ले सकते हो, क्योंकि बने हुए टेंडर को क्या बना हुआ जो है झंडा जो बना हुआ है उसी को वापस बनाना है, तो बने बनाए को सिर्फ है ना इसके लिए कोई भी है ना खड़ा हो जाएगा, उसको ना टेक्नीशियन की ज़रूरत है ना कुछ है, सिर्फ पैसा लेना है, तो भाई हम भी पैसा लेने को तैयार है, ऐसा मैंने ना कंप्लेंट किया हुआ है। और इसके ना जो है जाँच होनी चाहिए कि है ना ये ऐसे कैसे हो रहा है, एकाधी है ना घोड़ा गाड़ी है तो पहले घोड़ा लगता है उसके पीछे गाड़ी लगती है, लेकिन सार्वजनिक बांधकाम विभाग जलगांव का ये उल्टा खेल दिख रहा है कि पहले है ना काम होता है और बाद में टेंडर निकल रहा है। ये जो है ना अपने देश की शान है तिरंगा है, ये तिरंगे में भी कुछ लोग है ना घोटाला या अनियमितता करने को इसको भी नहीं छोड़ रहे हुए, तो ये किसको छोड़ेंगे? तिरंगा में अगर घोटाला ये है तो इसके ऊपर दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय जिलाधिकारी साहब अभिजीत राउत साहब है, इन्होंने व्यक्तिगत लक्ष्य देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, ये मैं उनसे मांग आपके माध्यम से मैं मांग करता हूँ उनसे। हेलो गाइज, प्लीज़ लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।